सलाम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज आपको एक चीज़ डिस्कस कर रही है कि मोस्टली जो बिजनेस ओनर होते हैं वो बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं बट फ्लॉप हो जाते हैं। द रीज़न मेन बिहाइंड दिस वाई दे आर फ्लॉप बिकॉज दे डोंट एडवर्टाइज। ठीक है, जब तक आप किसी चीज़ की एडवर्टाइजिंग नहीं करते तब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं करता। एज़ फॉर योर इंफॉर्मेशन, चलो अभी हमने कोका कोला का बाइकआउट किया, ठीक है, अभी इसराइल के प्रोडक्ट का बाइकआउट किया, बट कोका कोला अपने टोटल रेवेन्यू का 10% जो एडवर्टाइजिंग के ऊपर लगाता है। ठीक है, और मैं अभी यूट्यूब से स्क्रॉलिंग कर रहा था, मैं हैरान हो गया यार, इतना फास्ट एल्गोरिदम है, कमाल हो गया। ठीक है, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहती हैं तो आप कम वक्त में, आप थोड़ा सा जो टाइम है एडवर्टाइजिंग के ऊपर लगाएं, थोड़ा सा स्पेंड करें, अपनी जो आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसका मतलब कह लेंगे आप 10% भी लगाएंगे, इंशाल्लाह आपको उसका 20% मिलेगा। मतलब मैं आपको अगर सिंपल वर्ड में कहूँ यार, आप अगर 10% लगाएंगे, अगर आपकी सेल अगर 1 लाख हो रही है ना, आपकी सेल बढ़ के 3 से 2.5 से 3 लाख हो जाएगी, आई गारंटी यू, इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी मेन चीज़ होती है मार्केटिंग, वो जो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। हमेशा जो है आप प्रायोरिटी रखें कि मार्केटिंग करने की, जब तक आप मार्केटिंग नहीं करेंगे तब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, अगर तो आपके प्रोडक्ट बहुत दमदार है, अगर आपके प्रोडक्ट में बहुत दम है, ठीक है, आपको वो लगता है कि यार ये ऑर्गेनिकली चल जाएगी, तो ये तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं। अगर आपको लगता है कि यार इस प्रोडक्ट के अवेयरनेस चाहिए पब्लिक को, ये प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, तो यू कैन डू इट। आप लोगों को क्या करना होगा, अगर थोड़ा सा जो है अपना ऑर्गेनिक चलाएं, देखें ऑर्गेनिक अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा, देन आप अपनी एक स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेट करें और अपने थोड़ा सा अमाउंट जो स्पेंड करके आप देखें, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो क्यों ब्रांड, उन्होंने मिलियन ऑफ डॉलर जो है उन्होंने स्पेंड किया है। ठीक है, चीज़ सेम है, बस क्या उनका एक नाम है, ब्रांड खुद एक वो एक अपनी आइडेंटिटी रखता है। तो थैंक यू सो मच। अभी रात के बज चुके हैं 10, और मेरा काम अभी जारी और सारी है, मैं आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा, और बाकी इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, अभी बस 1 हफ्ता वेट है, अभी तक मैंने अभी जो जो मेरा काम था मैंने उसको थोड़ा स्टॉप किया हुआ है, मैं अभी कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इंशाल्लाह। बाकी मिलते हैं आपको बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।